देवभूमि के अंदर वर्तमान में गर्मी के साथ साथ बारिश हुई है। जी हाँ, गर्मी बढ़ी थी, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर जो गोलियाँ चली उससे कुछ गर्मी और ज़्यादा बढ़ती दिखी। लेकिन यह है कि बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जो जिस तरीके की गर्मी थी वो तो कम हुई है, लेकिन अभी भी राजनीतिक गर्मी बड़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है। जी हाँ, देवभूमि के अंदर, देहरादून के अंदर, खासकर देहरादून की अगर हम बात करें, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, गोलियां चली हैं। उससे पहले एक नामी बिल्डर ने आत्महत्या करी, उससे पहले भी एक आत्महत्या आई, उससे पहले भी गोलियां चली, और ये जो घटनाएं हैं उससे पहले एक बड़ी डकैती हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देहरादून जैसी जगह जो कभी शांत वादियों की जगह होती थी आज इस तरीके की घटनाएं वहाँ पर सामने आ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, आखिर इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं कि इस तरीके की घटनाएं देहरादून में बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई एक घटना हुई हो उसके बाद रुक गई हो, नहीं, लगातार घटनाओं पर घटनाएं, घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं, हर तरीके की घटनाएं हैं। वहां पर भू माफियाओं के खिलाफ भी आवाजें उठती रही हैं, और ये जो सारी चीजें हैं इसे लेकर बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि आखिर देहरादून को किसकी नजर लगी। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जो कानून व्यवस्था है उसको सख्ती से पालन कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी आखिर शांत दून इस तरह से अशांत क्यों दिख रहा है। और इसी पर आज हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ शीशपाल सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ गजेंद्र रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ बॉबी पवार जी हैं, राज्य आंदोलनकारी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शीशपाल जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। सरकारें किसी की भी रही हो, एक समय था जब ये कहा जाता था कि देहरादून उत्तराखंड बहुत शांत है, लोग शांति के लिए वहाँ आते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं जैसी घटनाओं के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं थी। यहाँ डकैतियाँ हो रही हैं बड़ी बड़ी दिन दहाड़े, यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं दिन दहाड़े। तो ये जो चल रहा है आखिर क्या है, ऐसा कौन से कारण है कि यहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ सामने आने लगी? इतना दबाव वहाँ पर है, लोगों के अंदर डर की स्थितियाँ आ गई हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, वो भी देहरादून जैसी जगह, राजधानी है देहरादून। क्या लगता है आपको कि आखिर चूक कहाँ हो रही है? देखिए गोस्वामी जी, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, और कांग्रेस पार्टी लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार को चेताने और जगाने का काम हम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देखिए, रायपुर के डोभाल वाला चौक में सरेआम 3 नौजवानों को गोली मार दी गई, एक की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से जो है अभी ICU में भर्ती है, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और आप देखिए, ये पहली घटना नहीं है संजय जी, इससे पहले भी पिछले साल तहसील चौक में चमोली गढ़वाल के बिपिन रावत की जो है रॉड मारकर की हत्या कर दी गई थी। आपने हमने भी उस पर डिबेट किया था, कांग्रेस पार्टी को उस पर धरना प्रदर्शन देना पड़ा था, तब जाकर के जो है अपराधी की गिरफ्तारी हुई थी। और जिस तरीके से राजपुर रोड पे सचिवालय के बगल में खुलेआम जो है 20 करोड़ की डकैती हो गई थी, रिलायंस जो है अपने शोरूम में जो है। और यही नहीं, जब लोकसभा चुनाव में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी उधम सिंह नगर में गुरु नानक मत्था गुरुद्वारे के मुख्य कार्यकारी बाबा तरसेम सिंह जी की, इसी तरह से खुलेआम जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और इन सब में देखने वाली बात है कि सारे के सारे अपराधी राज्य के बाहर के लोग हैं, इस राज्य का कोई भी जो है इस प्रकार का व्यक्ति नहीं जो इन वारदातों में शामिल हो। आखिर अपराधियों की शरण स्थली क्यों बन गया राजधानी देहरादून और उत्तराखंड, ये जो है हम लगातार सरकार से पूछ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर जो है पुलिस का जो इस्तकबाल है, जो पुलिस का जो खौफ है, वो अधिकारियों में देखने को ही नहीं, इनमें अपराधियों में देखने को ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है पुलिस प्रशासन की और अपराधियों की साठगांठ है, किसी न किसी का तो संरक्षण है अधिकारियों को, जिसके इशारे पे उनका जो है उनके हौसले बुलंद है। और हम लगातार कई बार जो है प्रदेश सरकार से मांग कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, पुलिस को जो है हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता है। जब पूरे देश में आप देख लीजिए लोग अपराध करते हैं और जो है उत्तराखंड में आकर के जो है छुप रहे हैं, तो उत्तराखंड तो यही चीज चल रही थी। अगर शीशपाल जी आप देखें, ये कहा जा रहा था कि सत्यापन जो है वो लगातार चलना चाहिए, सत्यापन को लेकर बहुत सारे सवाल लगातार खड़े रहे हैं,
और सत्यापन को लेकर बहुत सारे विवाद भी सामने हैं। आखिर एक सत्यापन, दूसरी बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अवैध कब्जे, अवैध कॉलोनियां बस रही हैं, वहां पर क्या किया जाए? देखिए संजय जी, ये जो गोलीकांड हुआ है, ये मैंने बिपिन रावत वाली जो आपको घटना बताई, ये बाबा तरसेम सिंह वाली बताई, ये सारे के सारे अपराधी जो है इस राज्य के नहीं, ये सबके सब जो है यहाँ अगर है तो बड़ी बड़ी कोठियों में, पोस्ट कॉलोनी में रह रहे हैं। ये सत्यापन अभियान चलाना पुलिस का काम है, वो तो हमेशा से चलता रहा है। अगर मैं भी कहीं किराएदारी पे रहता हूँ तो मैं भी जो है वेरिफिकेशन कराता हूँ। आखिर पुलिस अगर सही तरीके से सत्यापन अभियान नहीं चला रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, तो ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है। इसका जवाब तो जो है पुलिस को ही देना चाहिए कि आखिर वो क्यों अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभा पा रही। और अगर जो है बड़े बड़े ये अपराधी इन वारदातों में शामिल है, ये जिस जगह पे वारदात अभी हुई है रायपुर की, आप देख लीजिए, वो जो है फाइनेंस का काम करता था, बड़ी भारी कोठी है उसकी, कहा जा रहा है कि उसने उसमें नगर निगम की भी जमीन जो है कब्जाई हुई है, और उसी ने जो है उन अपराधियों को अपने यहाँ शरण दी हुई थी, वो शूटरों को भी उसी ने बुलाया हुआ था। तो ये रसूखदार जो बने हुए हैं हमारे बीच में, ये भी तो जो है रसूखदार का फोटा लगाए हुए, और जो है पीछे इनके जो अंदर अपराधी छुपा हुआ है, जिसने रोड मार करके बिपिन रावत की हत्या की थी, वो भी जो है डालन वाला के पौस एरिया में रहता, बड़ा रसूखदार व्यक्ति था। तो इस प्रकार के तत्व भी हैं, तो इसमें तो पुलिस को 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इन अपराधियों के, इन अराजक तत्वों के, इनकी पृष्ठभूमि क्या है। अगर जब तक पृष्ठभूमि की जांच नहीं होगी संजय जी, तो इस चीज पर जो है लगाम लगाना कठिन होगा। बिल्कुल, पृष्ठभूमि ये बड़ा सवाल है। जी जी बोलिए। अधिकारियों के साथ जो है इनकी साठगांठ है, ये मिले हुए जो है रहते, तो ये भी चीज जो है देखनी होगी, क्योंकि इनके हौसले कहीं ना कहीं से तो बुलंद है ना। हौसले बुलंद है, ये एक बड़ी चीज है। अगर अगर देखें शिष्यपाल भाई, हौसले बुलंद है गजेंद्र रावत जी, हौसले बुलंद है अपराधियों के। आखिर कौन सा कारण है भाई, हौसले क्यों बुलंद है, और क्यों उत्तराखंड के अंदर ही हौसले बुलंद हो रहे हैं? आखिर क्यों गजेंद्र जी, देहरादून के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं लगातार? आप देखें, एक और घटना का मैं जिक्र करूंगा गजेंद्र जी आपके सामने। एक मकान था एक महिला का, आपके सामने वो घटना भी हुई होगी, भू माफियाओं ने वो मकान ही साफ कर दिया था, वहां पर प्लॉट बना दिया था, उसके बाद उस पर बड़ा विवाद भी रहे। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, प्लॉट पे कब्जों की घटनाएं देखने को मिलती है, सरेआम गोलियां चल रही हैं। तो ये जो चूक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिस प्रशासन, कोई भी अधिकारी ये चाहता हो कि उसके क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं हों, लेकिन कहीं तो चूक हो रही है, चाहे वो सत्यापन को लेकर चूक हो रही हो या संरक्षण की बात हो। गजेंद्र जी, लगता क्या है आपको, आप भी एक पत्रकार हैं, जिम्मेदार पत्रकार हैं, क्या लगता है कि आखिर देवभूमि आज इतना अशांत क्यों है? जहां तक इस हत्याकांड का सवाल है, ये बहुत गंभीर बात है कि आखिरकार जिस प्रदेश के भीतर पुलिस वाले लोग हर चौराहे पर जो है स्कूटी वालों का, मोटरसाइकिल वालों का चालान कर रहे हैं, गाड़ी वालों का चालान कर रहे हैं, रात 10-11 बजे तक लोगों से फूंक मरवा रहे हैं ड्राइवर से कि भाई तूने शराब पी के तो नहीं गाड़ी चला रहा। आखिरकार इतने बड़े बदमाश जो लोग कई हत्याकांड में शामिल थे, वो देहरादून ना के बैठे हुए हथियार लेकर बैठे हुए, और वो भी उस दौर में बैठे हैं जब आपके हथियार जो है वहां जमा है, क्या नाम इसका, चुनाव आयोग के कहने पर प्रशासन ने जमा करवा रखे थे। आखिरकार हथियार आए कहां से, और वहां के वो क्षेत्रीय पुलिस घर क्या रही थी, उस पुलिस के पास इस क्या इस प्रकार की जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार के आपराधिक तत्व इस देहरादून के भीतर घूम रहे हैं। उस देहरादून के भीतर जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल बैठे हुए हैं, 70 विधायक बैठे हैं, मंत्री सचिव सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, छोटे लोग और गरीब लोगों के साथ बात ही छोड़ दीजिए। तो ये इसलिए गंभीर सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले इस स्टेट ने बहुत बड़ी घोषणा करी कि भाई 3 लाख करोड़ रुपए के MOU हो गए हैं, पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ जो है इन्वेस्टर समिट में आ रहे हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, 70,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो गई है। तो क्या जिस प्रदेश के भीतर इस प्रकार 11-11 राउंड की गोली एक घर से चल रही है, तो वो इस प्रदेश के भीतर क्या आप समझ सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या इशू होगा? आखिरकार उत्तराखंड की पुलिस कर क्या रही थी, और एक व्यक्ति अगर इस प्रकार से यहाँ जो है गोलीकांड कर रहा है, उसने तमाम तरह से लोग डकैत बदमाश यहाँ बुला रखे हैं, तो आखिरकार जो आम जनता है वो किस पर भरोसा करेगी, किसके पास लोग जाएंगे? सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है, और ये व्यवस्था इसलिए भी है क्योंकि जो पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई गई,
और अगर गंभीरता दिखाई गई होती तो वो बदमाश जिसने पहले से दो लोगों को मारा है, वो आदमी जमानत पर छूटने के बाद फिर इसी देहरादून में घूम रहा है। जिस आदमी का देहरादून में कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं, उस आदमी को शय कैसे मिल रही है? और जब आप कह रहे हैं कि आप पूरा वेरिफिकेशन कर रहे हैं, आपने आसा रोड़ी पुलिस चौकी से लेकर और आपने हरिद्वार और तमाम जगहों पर जब पुलिस बैठा रखी है, तमाम चीजें आप चाक चौबंद होने की बात कर रहे हैं, आप सेफ स्टेट होने की बात कर रहे हैं, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो आपके तो सारे दावे की पुलिस ही ने खोल दी। और आज आज स्थिति ये है कि जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वहां तमाम तरह से जो है एजिटेट कर रहे हैं, जो उन परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनके ऊपर मुकदमा कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि अगर कोई प्रदर्शन करेगा, कोई कुछ करेगा तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। बाकायदा ये भी पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि भाई जो फेसबुक और सोशल मीडिया में भी लिखेगा उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। अरे भाई, अगर आप इस प्रकार के मुकदमे करने की बजाय अपराधियों को डराते हैं, अपराधियों को धमकाते हैं, तो निश्चित रूप से आज ये सब ना होता। और जिस प्रकार की बातें आ रही है कि पहले भी बहुत सारे लोगों ने शिकायतें दर्ज की, उस मोहल्ले के जो लोग बता रहे हैं, ये तमाम जो चीजें हैं ये निश्चित रूप से इस देवभूमि के लिए कतई सही नहीं है। और मेरा मानना है कि पुलिस को कम से कम जो अपराधी हैं उनके साथ एक ऐसा व्यवहार जरूर होना चाहिए कि जो मिसाल बने, आने वाले समय में कोई और बदमाश आकर हमारे उत्तराखंड के नागरिक को इस प्रकार गोली ना मारे। और आज की तारीख में कौन उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेगा? जो 4 साल का बच्चा छूट गया, उसके बच्चे जो 27-28 साल की लड़की, वो जो विधवा हो गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो भाषणों से हो जाएगा कि भाई आपकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है? इससे तो प्रदेश नहीं चलने वाला। तो निश्चित रूप से ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर बहुत गंभीर सवाल है, बिल्कुल। और ये निश्चित रूप से जिन लोगों को डराना चाहिए था उनको डराना चाहिए, और जो जो आम जनमानस है, जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उनको मुकदमे की धमकी देकर जो है चुप कराने की कोशिश करेंगे, ये इस प्रदेश के लिए और लोकतंत्र के लिए कतई सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं गजेंद्र जी। बात उत्तराखंड की हो रही थी और अभी आपने खुद ही कहा कि पुलिस को सख्त होना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। चलिए बॉबी जी, बॉबी पवार जी, अगर आप देखें उत्तराखंड में एक बड़ी घटना है, उससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, यहाँ पर जमीन कब्जाने को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बड़े बिल्डर ने आत्महत्या की है, तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर गोलियां चली, जवान लड़का हमारे बीच में नहीं रहा। अभी जिस तरीके से गजेंद्र जी कह रहे थे कि उनका 4 साल के बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा, 28 साल की जो बेटी विधवा हो गई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। मेरा यही एक सवाल है कि आखिर क्यों उत्तराखंड के अंदर इस तरीके की घटनाएं बढ़ने लगी है। कहूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लिया और मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो आपने कहा कि चूक कहाँ हो रही है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश के भीतर कुछ विधायक और मंत्री जो इन लोगों को संरक्षण देते रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उन चीजों को निकालने में कामयाब रहे तो तस्वीरें प्रदेश के और देश के सामने बहुत जल्द होंगी। यहाँ क्या हो रखा है कि कुछ विधायक और मंत्री जो है अभी मतलब राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं बॉबी भाई आप? कुछ विधायक और मंत्री है, उन्होंने कुछ टीमें बनाई है, वो टीमें इसलिए बनाई है कि जिस प्रकार से ये जो अवैध रूप से जो कमाई है इनकी, जो कमीशन खोरी से पैसा लेते हैं, उनके उन पैसों को ब्याज में देने के लिए, उन पैसों को वाइट करने के लिए इन्होंने कुछ टीमें बनाई है। दूसरी बात एक है कि एक और टीम बनाई है जो इस देहरादून के अंदर, इस उत्तराखंड के अंदर जो कई एकड़ जमीनों में, कई बीघा जमीनों को कब्जा करने के लिए टीमें बनाई गई है। और वो लोग देखो, उत्तराखंड के जो लोग हैं स्वाभिमानी लोग हैं, जो इस पहाड़ से मैदान की तरफ पलायन कर चुका वो बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, वो यहाँ पर टूटे फूटे कमरे में रहकर वो 5-7 हजार किराया दे देगा, पर कभी भी इस प्रकार से मलिन बस्तियों में या नदी खालों में जाकर वो कब्जा करके अपना वो टेंट नहीं गाड़ेगा। तो ये लोग कौन है, इन्हें संरक्षण कौन दे रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि हाल ही में इससे पहले 2-4 महीने पहले घटना हुई थी, एक बच्चा लाइब्रेरी से 12 बजे रात लाइब्रेरी से अपने कमरे पे जा रहा था, और ये रिस्पना पुल की मैं घटना बता रहा हूँ, उस रिस्पना पुल के नीचे सैकड़ों की तादाद में ये टेंट लगा के, झुग्गी झोपड़ी लगा के लोग रह रहे हैं। उस बच्चे के सिर पर वार करके, रोड से वार करके उसका फोन छीन लिया जाता है, उसको लहूलुहान कर दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटना करने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे बच्चों में घुस जाए तो मैं मान ही नहीं सकता कि पुलिस उसकी छानबीन कर सकती है,
पुलिस उस आरोपी को पकड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या ये सैकड़ों हजारों में नहीं रह गई है, ये लाखों में है। और ये वोट बैंक का चक्कर है, सारा वोट बैंक का चक्कर है। देखिए उत्तराखंड में अगर आ रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन ठीक है आप करिए, परंतु पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मुझे लगता है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो इलीगल यहाँ रह रहे हैं, जिनका ना तो पुलिस वेरिफिकेशन हो रखा है ना तमाम प्रकार की और चीजें हैं। आज अगर सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं तो यहाँ के सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो विधायक मंत्री चाहे भाजपा के हो, विधायक मंत्री चाहे कांग्रेस के हो, इसमें अगर किसी का 80% हाथ है तो 20% किसी दूसरे का भी है। और मैं ये विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि उसमें हम लगे हुए हैं, अगर वो चीजें निकालने में हम कामयाब हुए तो ये चेहरे जल्दी ही प्रदेश और आप सबके सामने बेनकाब होने वाले हैं। अच्छा बोबी भाई ऐसे बताइए, देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो घटनाएं हुई हैं कहीं ना कहीं जमीनी विवाद ज्यादा दिखे हैं, मतलब पैसों के बड़े बड़े विवाद, और वो विवाद कहीं ना कहीं कब्जों से जुड़े हुए रहे हैं। आखिर उस चीज को लेकर जिस तरीके का अभियान, जिस तरीके का SIT बननी चाहिए, उस तरीके की जो कार्रवाई है वो दिखती नजर नहीं आती, उससे लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। देखिए सर SIT बन भी जाए तो SIT में कौन है? SIT में यहीं के पुलिस अधिकारी हैं, यहीं के ब्यूरोक्रेट्स हैं, और वो ब्यूरोक्रेट जो है वो नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री हो मंत्री हो, इनकी मिलीभगत से वो SIT भी काम नहीं कर पाती है। उनके काम में जो अवरोध आता है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, यहाँ SIT से काम नहीं चलता है। कुछ एक आध मामलों में CBI जांच की भी मांग हुई थी और जांच के भी आदेश हुए थे, पर उसमें भी कोई ऐसा मसला निकला नहीं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ SIT तो यहाँ सैकड़ों SITs बन गई है, सैकड़ों SITs ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, पर रिपोर्ट अगर ये सही भी देते हैं और उसमें साबित भी हो जाता है कि यहाँ पर गलती ये है, चूक ये हुई है, ये आरोपी है, सबसे बड़ी समस्या है कि SIT रिपोर्ट आने के बाद भी उन दोषियों पर कार्रवाई न करना, कहीं ना कहीं ये इस ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सारा सिस्टम हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनके हाथ में है, नेताओं के हाथ में है। कमलेश रमन जी भी हमारे साथ है। कमलेश जी देखिए बड़ी घटना हुई है, रावत जी ने भी बहुत कुछ कहा, शिषपाल जी ने भी बोला, बॉबी पवार ने भी बोला, हमारा मानना यही है कि वर्तमान में अगर देखे कमलेश जी तो इस तरीके की घटनाओं की जगह नहीं है। हाँ मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। एक और बात है, एक यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत की क्या बात है कि कोई भी मुद्दा ऐसा होता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे तत्व घुसा दिए जाते हैं या घुस जाते हैं जो उस मुद्दे को उस लाइन से हटकर कहीं और ले जाते हैं, फिर वो चाहे वो पहाड़ प्लेन की बात होनी शुरू हो जाती है तो जो मुख्य मुद्दा है उससे भटकाने की कोशिश होती है। अपराधी चाहे वो पहाड़ का है, चाहे प्लेन का है, चाहे बाहर का है, चाहे कहीं का भी है, वो अपराधी है। अपराधी कोई भी किसी का अपना नहीं है, उसे तो अपराध करना है, वो कहीं भी जाके कर देगा। तो ये जो चीजें हैं उस पर कैसे अंकुश लगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है और बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश है उत्तराखंड, और इसमें अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वाकई बहुत ही दुखद है। हमने उत्तराखंड को मांगा था इसलिए कि हमारे इस प्रदेश के अंदर अमन और चैन बना रहे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए तमाम वो चीजें हैं, कानून प्रक्रियाएं हैं जो होती है। मैं आपको सिर्फ इस घटना के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि माननीय उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी ने, शासन और प्रशासन ने जो ये घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है। हमारी उस बहन के ऊपर जो पीड़ा आई है, मुझे लगता है किसी के ऊपर ये पीड़ा नहीं आनी चाहिए। ईश्वर जो है उस पीड़ा को सहने की उन्हें शक्ति भी दे, और आगे के लिए क्या मदद उनकी हो सकती है सरकार इस चीज का भी पूरा भरसक प्रयास कर रही है कि उस महिला के लिए, उसके बच्चे के लिए क्या आगे प्रोटेक्ट हम कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए सड़कों में बैठकर आंदोलन करके केवल उस मुद्दे को एक आगजनी का माध्यम बना देते हैं कि उस मुद्दे को किस तरीके से नहीं, कमलेश जी ऐसा है ना, देखिए क्या है कि अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो फिर कैसे सहायता होगी? आवाज उठाने के लिए तो कुछ लोग चाहिए ना। अगर यहाँ पर कमलेश जी देखिए, गजेंद्र भाई एक मिनट, कमलेश जी देखिए अगर लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो बहुत बार इंसान के लिए बाहर निकलना पड़ता है। अगर राज्य बना तो लोग बाहर निकले,
किसके लिए उतर देंगे लोग? सुनेंगे तो अच्छी बात है। मैंने आपकी बात कौन सुनेगा? बोल के गजेंद्र जी बोल कीजिए। गजेंद्र जी जवाब देते हैं। नहीं नहीं बोलिए कमलेश जी, बोलिए नहीं की जाएगी। बोलिए कमलेश जी आप बोलिए। ये बहुत शर्मनाक बात है, बहुत गलत बात है। इन मैडम पर शब्द वापस लेने पड़े। कमलेश जी बोलिए, ये प्रदर्शनकारियों को ये बातें कह रही है। उनके घर में गोली चल गई, उनका लड़का मर गया। गजेंद्र भाई जरा सुन लीजिए, कमलेश जी बोलिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा बदमाश हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। पहली बात, दामी सरकार ने किसी को छूट नहीं दी है। दूसरी बात, ये घटना की है। अरे अगर आप मेरे पीछे पड़ेंगे आप सुनेंगे ही नहीं। आप तीनों मानो ने अपनी बात कर दी, मेरी बात बोलिए। कमलेश जी आप बोलिए, बोलिए भाई सुन लीजिए, बोलिए भाई सुन लीजिए, गजेंद्र जी सुन लीजिए, कमलेश जी बोलिए। अरे हमने भी आंदोलन किया है उत्तराखंड के लिए, केवल आप लोगों ने नहीं किया। हम लोग उत्तराखंड के लिए, केवल आप ही प्रदर्शनकारी नहीं है, हम भी प्रदर्शनकारी। सभी है उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति प्रदर्शनकारी रहा है। कमलेश जी बोलिए। अब मेरे अगर मुद्दों को सुनेंगे, अगर चीजों को सुनेंगे तो मुझे लगता है हमारे जो तीनों भाई बैठे थे कोई नाराज। कमलेश जी बोलिए, आप बोलिए जी। दामी सरकार उन लोगों को जेल में डाल दी है, शासन प्रशासन मुस्तैद है, और तभी वो लोग आज जेल की सलाखों के पीछे है। और आज सुबह भी बैठ करके चीफ सेक्रेटरी के साथ में, तमाम जो हमारे आलाकमान अधिकारी है उनके साथ में बैठ के मुख्यमंत्री जी ने वार्ता करी है, और ये कहा है कि कोई भी जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसकी सघनता से निरीक्षण होना चाहिए, उसका परीक्षण होना चाहिए। वो यहाँ क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, जो जमीनें यहाँ पर जो लोग खरीद रहे हैं वो किस उद्देश्य से खरीद रहे हैं, इसके ऊपर। दूसरी बात, विपक्ष केवल आवाज उठाता है। अभी कुछ दिन पहले रामी सरकार ने कहा था कि सत्यापन होगा मलिन बस्तियों में। आपने देखा होगा सड़कों पर आंदोलन उठा दिया विपक्ष ने, और ये कहा सत्यापन क्यों होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है, दामी सरकार दिक्कत में डाल देगी इन लोगों को। अरे सत्यापन तो हो जाने दो, कम से कम पता तो चले क्रिमिनल बसे कहाँ है कहाँ पर। दूसरी बात, अभी एक बात कही थी गोस्वामी जी, आपने कहा कि मुद्दा कि वो लोग यहाँ पर आकर के घटना घट के चले जाते हैं, उसका क्या कारण है। देखिए हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जमीनों में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करके उन पैसा लगा सके। बाहर के लोगों के पास इतना पैसा है, वो हमारे लोगों को इमोशनली जो है अपने स्वार्थ के चलते उनको अपने साथ मिलाते हैं और यहाँ की जमीनों का सौदा करते हैं और यहाँ पर स्थापित होने का काम करते हैं। और इसीलिए धामी सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन्हीं का कब्जा होगा यहाँ की जमीनों पे, बाहरी लोगों का नहीं होगा। कि बाहर से लोग यहाँ आकर के बसे, जमीनें खरीदे और हमारे लोगों के ऊपर वार करे और यहाँ दुर्घटना घटे। बहुत ही दुखद घटना है। धामी सरकार इस वक्त इस चिंतित में है, इस चिंतन में है कि किस तरीके से अपराधों को रोका जाए। 80% तक अपराध रोकने का काम सरकार ने किया है, 20% और है ये अपराध भी रुकेंगे। हाँ, लेकिन घटनाएं जिस तरह की होती है, देखिए कोई कहकर तो नहीं आता गोस्वामी जी कि मैं आज ये घटना को अंजाम देने जा रहा हूँ, या सार्वजनिक स्थलों पर तो कोई ऐलान करके नहीं जाता, लेकिन ये चुपचाप अगर गली के अंदर घटनाएं होती है, अगर उस वक्त पुलिस प्रशासन ना हो, या वो ना जाए, या प्रशासन उसमें ना जागे, ना अपराधियों को पकड़े, तो मुझे लगता है तब आपका कहना बेहतर बनता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर सरकार उसके बावजूद भी काम कर रही है, बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, अरे थोड़ा सा आप ये तो देखिए कि जो इस समय जो आपका उनका चलान होगा, चार्जशीट दाखिल होगी, उसमें जो अपराधी है वो कोई बक्सा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार ने सख्त हिदायत दे दी पुलिस को। अच्छा, कमलेश जी एक सवाल यहाँ और उठ रहा है। कमलेश जी एक सवाल का मामला है। कमलेश जी एक सवाल और उठ रहा है, जिसको क्योंकि आपने एक बात बोली उसे लेकर शायद बहुत सारे लोगों में गुस्सा आया। ये था कि अगर किसी के साथ बड़ी घटना हुई है और बहुत सारे लोग निकलकर सड़कों पर आए हैं कि यार ये गलत हुआ है, इसमें इंसाफ चाहिए, और उनके ऊपर मुकदमे कायम हो, तो थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, तो पुलिस प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है तो लोग तो निकलेंगे। अगर आप चाहें कि लोग बाहर ना निकलें और लोग घरों में कैद हो जाएं और उन्हें डरा दिया जाए कि ऐसे, तो फिर कल को किसी के साथ घटना हो गई, कल को आपके साथ हो गई, मेरे साथ हो गई, तो कौन निकल कर आएगा बाहर? इसका मतलब है तो एक लोगों में ऐसा डर पैदा कर दिया जाए कि लोग जो हैं वो किसी का साथ ही ना दें। जवाब देना चाहूंगी। हाँ, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे जो तीनों भाई बैठे हैं
मैं उनको जो है प्रणाम भी करती हूँ, क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञानी है, मेरे से ज्यादा जानकारी भी रखते हैं। देखिए जब हमने आंदोलन लड़ा इस उत्तराखंड का, तो उसमें सभी सम्मिलित हुए, सभी लोगों ने इसमें आंदोलन को लड़ा। हाँ। और आज भी अगर कोई चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, हम सब लोग मिल करके उस लड़ाई के खिलाफ खड़े होते हैं सड़कों में। उसमें कोई राजनीति नहीं होती, उसमें किसी प्रकार की पार्टी की बात नहीं होती, उसमें केवल ये होता है कि उस व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। और जो प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं उसमें हम भी शामिल है, मेरे परिवार के लोग भी शामिल है, मेरे पति भी वहां शामिल है, क्योंकि जो लड़का सुभाष छेत्री हॉस्पिटल में भर्ती है इंद्रेश में, वो हमारा जानकार है। तमाम वो जो लोग जिनके ऊपर ये घटनाएं घटी है बुटोला जी, वो भी हमारा जानकार है। ऐसा नहीं है कि हम जानकार के साथ खड़े होंगे और जिसको नहीं जानते उसके साथ नहीं, क्योंकि जो घटनाएं घटी है वो क्यों घटी है इस तथ्य पे हमें जाना जरूरी है। ये घटनाएं हमारे इस प्रदेश में जो शांत प्रिय प्रदेश है इसमें ये घटनाएं क्यों घटे। हाँ, आंदोलन करने के लिए बिल्कुल सब स्वतंत्र है, सब कर सकते हैं। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं गोस्वामी जी, आप मुझे बताइए जिस लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई सब लोग दे रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ये संयम तो हमें भी रखना पड़ेगा ना। हम आंदोलन करें, बेहतर तरीके से आंदोलन करें, सड़कों का जाम भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की बात करेंगे, आप आते जाते राहगीरों को मारना शुरू कर देंगे, यात्रियों को मारना शुरू कर देंगे, किसी के घर पे जाकर के जिसने ये घटना को अंजाम दिया, हम कहते हैं कि सरकार उसके घर को पूरा तोड़ दे, नगर निगम पूरा तोड़ दे, और उसके उस घर को तोड़ करके बेच करके जो हमारी इस महिला के साथ जो घटना घटी है, हमारे उस भाई के साथ जो घटना घटी है, उसका वो भरपूर भरपाई करने का काम करे। ये हमारे भी ये हम भी कहते हैं इस चीज को होना भी चाहिए। लेकिन क्या हम किसी का घर तोड़ देंगे? क्या किसी के घर के अंदर जो लोग जो और लोग हैं जिन जो इस अपराध में संलिप्त नहीं है, क्या उनको मारने हम चले जाएंगे? अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मैं केवल इस बात पे जवाब दे रही हूँ, क्योंकि आंदोलन करना हमारा अधिकार है। हमने उत्तराखंड की घटनाएं हमारी जो आंदोलन की ताकत है, बहुत सारी घटनाएं इस आंदोलन के बाद ही खुली है, और उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी ताकत ही आंदोलन है। यहाँ पर जो लोगों के अंदर आपसी एक जज्बा है ना जुड़ने का, सबके साथ में नहीं, बिल्कुल कमलेश जी, देखिए ये आप भी जानते हैं कि इस उत्तराखंड की उत्पत्ति आंदोलन से हुई है, और यहाँ पर यही उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है कि हर किसी को पता है कि अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना होती है तो यहाँ का आदमी एकजुट है, यहाँ पर सब लोग साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर उन्हें डराने के अंदर कहीं ना कहीं कोई कोशिश हो तब सवाल खड़े होते हैं। हाँ, कानून हाथ में लेने की किसी की भी स्थिति नहीं होनी चाहिए, और ये परंपरा भी नहीं रही। उत्तराखंड आंदोलन जितने भी हुए हैं वो बड़े सदैव में आंदोलन हुए, आप तो खुद आपने देखा है, हमने खुद देखा है। बिल्कुल, देखिए कुछ लोग हैं जो जो पीड़ित परिवार है उसके साथ दिल से खड़े हैं, भावनाओं के साथ में खड़े हैं, उसके दुख की तकलीफ में खड़े हैं और उसकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो जिस तरीके की प्रवृत्ति के हैं, केवल आंदोलन करके उस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, अगर उसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत आप गलत तरीके से उस आंदोलन का मोड़ देना चाहेंगे तो शासन प्रशासन क्या करेगा गोस्वामी जी? चलिए, जो गलत कर रहा है उसके लिए तो शासन प्रशासन करेगा ही। शिषपाल जी, जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए क्योंकि समय खत्म हो गया जी। देखिए गोस्वामी जी, एक तो भाजपा के प्रवक्ता ने राज्य आंदोलन में जिन लोगों ने जो है योगदान दिया, जो न्याय के लिए जो है सड़कों पे उनको अपमानित करने का काम किया, दूसरा ये कहते हैं नहीं नहीं, उन्होंने राज्य आंदोलन करने की बात नहीं की। शिषपाल जी, उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग चलिए न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिलने के लिए जो भी होगा वो हर कोई करेगा ही, क्योंकि बात उत्तराखंड की है, बात न्याय की है, और ऐसी घटनाओं की उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर देहरादून की घटना को लेकर रोष है, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि हमें कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हाँ, आंदोलन करने का हक सबको है, और उन्हें डराने की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।